हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेके सिविल। आज जो है बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसका 2D कॉस्ट, 3D सब डिटेल्स में करके दिखाऊंगा, और प्लान से 3D कैसे ड्राइंग करते हैं, स्केच आप में वो भी मैं ड्राइंग आपको दिखाऊंगा, वॉल कैसे उठाता है, तो आपको डिटेल्स आइडिया आ जाएगा। ये 47x34 का जो बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे नीचे प्रॉप अप में एक प्लान भी शो कर हो रहा है, ये प्लान ही यहाँ पे 3D में आपको शो कर रहा हूँ। तो डिटेल्स में आपको अभी इसका 2D दिखाऊंगा। 2D दिखाने के बाद इसका कॉस्ट, टेंटेटिव मटेरियल, परफेक्ट मटेरियल एंड टेंटेटिव कॉस्ट आपको सब दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हूँ। अभी इस वीडियो का डिटेल्स जो प्लान है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए चलेंगे इंट्रोडक्शन करके, मैं वीडियो शुरू करता हूँ 2D प्लान से, फिर कॉस्ट, फिर 3D व्यू डिटेल्स में। तो देखा है कितना अच्छा है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेके सिविल चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट लेटेस्ट फ्लोर प्लान सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेके सिविल। आपको मैं जो अभी पहले 3D का व्यू दिखा रहा था पिक्चर के अटैच कर करके, तो उसका ही 2D प्लान में दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसका डिटेल्स 3D व्यू दिखाऊंगा, और 3D व्यू में आपको कैसे कैसे वॉल उठाना है वो भी आपको आज एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो 2BHK मॉडर्न एक हाउस है जिसका टोटल स्क्वायर फीट है 1510 स्क्वायर फीट। यहाँ पे दो बेडरूम है, यहाँ पे एक बड़ा बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम, और यहाँ पे किचन, यहाँ पे स्टेयर। तो धीरे धीरे चलिए शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक जगह छोड़ के रखा हूँ पार्किंग के लिए, और ये पूरा मेरा बाउंड्री एरिया है, यहाँ से एंट्री होगा मेरा कंपाउंड में। फिर यहाँ पे दो स्टेप स्टेयर है, यहाँ से उठ के यहाँ पे एक सीट आउट एरिया मेन एंट्री है जिसका मापी है 5 फुट 10 इंच बाई 7 फुट का है। उसके बाद यहाँ पे मेन डोर है डी, तो डी का मापी मैं यहाँ पे रखा हूँ। देखिए यहाँ पे डी का मापी मैं रखा हूँ 5 फुट बाई 7 फीट हाई, 5 फुट चौड़ा या 7 फीट हाइट है डी का मापी। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपका दाहिने हाथ में यहाँ पे लिविंग रूम रहेगा, यहाँ पे TV सोफा आप रख सकते हो, वो फर्नीचर लेआउट में आपको दिखा दूंगा। तो लिविंग रूम का मापी होगा आपका 14 फुट 10 इंच बाई 11 फुट 8 इंच का, एक बहुत ही अच्छा लेआउट है। फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक बड़ा डाइनिंग एरिया है, आप यहाँ पे डाइनिंग के साथ छोटा मोटा और भी एरिया के साथ इसको यूज कर सकते हो। तो डाइनिंग एरिया है 19 फुट 8 इंच बाई 18 फुट 5 इंच, एक अच्छा सा बड़ा डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पे देखिए एक बेडरूम है, बेडरूम का मापी है 10 फुट 10 इंच बाई 9 फुट 9 इंच का, और साथ में अटैच टॉयलेट है। टॉयलेट का मापी है आपका 6 फुट 9 इंच बाई 3 फुट 6 इंच चौड़ाई, मतलब ये वाला एरिया आपका 3 फुट 6 इंच और लंबाई आपका 6 फुट 9 इंच का है। तो यहाँ पे मैं D1, यहाँ पे D2 रखा हूँ, हर बेडरूम में सेम ही है। तो D1 का मापी है आपका 3 फुट बाई 6 फीट और D2 का मापी है 2 फीट 5 इंच बाई 6 फुट हाइट। तो ये हो गया एक बेडरूम। अभी आते हैं दूसरे एरिया में, यहाँ पे देखिए किचन एरिया है, किचन एरिया भी बहुत बड़ा एरिया रखा हूँ मैंने, और उसके साथ में एक अटैच्ड स्टोर और एक मेड रूम, मतलब जो काम का बाई या काम का बंदा रहेगा उसके लिए एक रूम रखना पड़ता है, उसका एक रूम यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ। आप यहाँ पे दूसरा, आपका अगर जरूरत नहीं है तो दूसरा रूम हिसाब से यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्टोर रूम है, आप इसको एक पार्टीशन वॉल हटा के यहाँ पे एक बड़ा सा रूम कोई दूसरा काम के लिए आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और इस वीडियो ड्राइंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको ड्राइंग दे दूंगा। तो देखिए किचन का मापी मैं बोल दिया, मेड रूम आपका 6 फुट बाई 6 फुट 9 इंच और स्टोर आपका 6 फुट बाई 6 फुट का है। फिर यहाँ से बाहर आने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, जिसका मापी है 16 फुट बाई 13 फीट का, एक बड़ा सा बेडरूम है, और इसके साथ भी एक अटैच टॉयलेट है, 7 फुट 8 इंच लंबाई मतलब इधर का और 5 फुट चौड़ाई मतलब इधर का, एक बड़ा टॉयलेट है। और यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे कपबोर्ड कुछ भी रख सकते हो आप। और देखिए बाहर में मैं एक कॉमन टॉयलेट रखा हूँ, छोटा सा टॉयलेट जो 6 फुट लंबाई है और 3 फुट चौड़ाई है। ये जो मेड यहाँ पे या कुछ भी कोई भी बाहर का गेस्ट आएगा तो ये वो टॉयलेट यहाँ पे यूज़ करेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं स्टेयर रखा हूँ फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, मतलब रूफ में जाने के लिए।
तो ये इधर से उठ के इधर आके आपका स्टेयर में जाएगा। और अभी आते हैं विंडो में, देखिए लिविंग रूम में मैं W6 रखा हूँ। W6 का मापी आपका है यहाँ पे 2 फीट सील हाइट, मतलब 2 फीट दीवार है, 8 फुट लंबाई और 5 फुट हाइट है इसका, ये विंडो का मापी। अभी आते हैं स्टेयर का विंडो जो आपका W7 में मार्किंग किया हो, तो इसका मापी आपका है 5 फुट सील हाइट, मतलब नीचे से 5 फुट दीवार रहेगा, 7 फुट चौड़ाई और 5 फुट हाइट रहेगा आपका ये स्टेयर का। W3 जो टॉयलेट का विंडो है, हार्ड में W3 है देखिए, तो उसका मापी मैं रखा हूँ W3, 5 फुट दीवार का हाइट, 2 फीट चौड़ाई, 3 फुट 2 फुट चौड़ाई, 3 फुट हाइट। तो ये हो गया बाथरूम का टॉयलेट। अभी देखिए बेडरूम में यहाँ पे एक W2 W1 रखा हूँ, और ये वाला बेडरूम में मैं क्या रखा हूँ W2 W2। तो देखिए W1 का मापी कितना है मेरा, 3 फुट दीवार हाइट, 6 फुट लंबाई, 5 फुट हाइट, और W2 का है 3 फुट दीवार का हाइट, 5 फुट चौड़ाई, 5 फुट हाइट। तो ये हो गया बेडरूम का। और जो डाइनिंग एरिया का विंडो है वो सबसे बड़ा विंडो है, थोड़ा अच्छा व्यू देखने के लिए बाहर का, तो इसका मापी मैं रखा हूँ W। तो देखिए W का मापी कितना है आपका, 1 फुट दीवार का हाइट, मतलब ये बहुत ही नीचे होगा विंडो, और 10 फुट चौड़ाई और 5 फुट हाइट, मतलब ये बहुत ही अच्छा बड़ा सा विंडो है। और यहाँ पे मैं मेड रूम में W5 रखा हूँ, स्टोर में कोई भी विंडो नहीं रखा हूँ, और किचन में W4 का विंडो रखा हूँ। हर विंडो का मापी यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अभी मैं इसका क्या करता हूँ ना, इसका फर्नीचर लेआउट ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए इसका फर्नीचर और प्लांटर का लेआउट ऑन करते हैं। देखिए फर्नीचर हो गया, अभी प्लांटर, ये प्लांटर हो गया। देखिए मैं ए वाला बेडरूम में एक बेड, एक कपबोर्ड और टॉयलेट में एक कॉमोड, एक बेसिन रखा हूँ। और यहाँ पे जो लिविंग रूम रखा हूँ मैंने, यहाँ पे एक टीवी, सोफा और यहाँ पे एक प्लांटर थोड़ा अच्छा व्यू देने के लिए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल, यहाँ पे एक छोटा सा एक प्लांटर, यहाँ पे देखिए मैं किचन, किचन का जो एक्सेसरीज है वो यहाँ पे डाला हूँ। ये मास्टर बेडरूम में एक बेडरूम, एक कंप्यूटर डेस्क, यहाँ पे सोफा, यहाँ पे कपबोर्ड जो अलमारी होता है, यहाँ पे एक कमोड, यहाँ पे बेसिन, और ये जो डाइनिंग एरिया का बेसिन में यहाँ पे डाला हूँ एरिया में। इसको आप छोटा सा थोड़ा भी ए वॉल में भी रख सकते हो या ए वॉल में भी रख सकते हो, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। और यहाँ पे जस्ट कमोड रखो क्योंकि बाहर ही एक बेसिन है, तो यहाँ पे बेसिन देके फालतू जगह का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक अच्छा सा प्लान मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, इसका कॉस्ट 2D सभी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो चलिए इसका साइड प्लान थोड़ा देख लेते हैं, जैसे आपको वो 3D में देख रहा था। तो चलिए इसका साइड प्लान ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या किया, दो साइड रोड रखा हूँ जैसे आपको 3D में दिख रहा था। तो यहाँ से मेन रोड यहाँ से ऐसे घूम रहा है, और मेन रोड से यहाँ पे आप एंट्री लेने के बाद आपका कार यहाँ पे रख सकते हो आप, जो पार्किंग एरिया में बोला, छोटा मोटा प्लांटर जो आपको मतलब 3D में दिख रहा था वही मैं आपको यहाँ पे शो किया। आप आपके हिसाब से जो ज़मीन है उसके हिसाब से आप आपका प्लांटर या कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि प्लांटर बॉडी बहुत ही अच्छा होता है एक घर के लिए। तो चलिए आज 2D प्लान यहाँ तक ही, अभी चलते हैं इसका कॉस्ट, उसके बाद चलेंगे इसका 3D व्यू और उसका मेकिंग में। तो चलिए कॉस्ट में चलते हैं। तो फ्रेंड कॉस्ट में हम लोग आगे, कॉस्ट के शीट में देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑन वेरियस वर्क, वेरिएशन वर्क ऑफ मटेरियल एज पर थम रूल प्रेजेंट मार्केट रेट। तो रेट नीचे है, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल दिखा रहा हूँ मैं पहले, तो डिटेल्स मटेरियल क्या है यहाँ पे, आइटम लिखा है, यूनिट और क्वांटिटी। तो देखिए मैं सीमेंट का बैग 50 kg होता है, OPC ग्रेड 53 में पकड़ा हूँ, यहाँ पे आप लोग दूसरा सीमेंट यूज़ कर सकते हो, तो रेट का वेरिएशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए सीमेंट आपका कितना लगेगा, 530 बोरी सीमेंट आपको लगेगा, 530 बोरी सीमेंट मतलब बैग सीमेंट 50 kg करके लगेगा। सैन आपका सेफ्टी में 1890 सेफ्टी सैन लगेगा। स्टोन एग्रीगर आपको 10 mm के का लगेगा, 295 सेफ्टी, बड़ा जो स्टोन होता है 20 mm का वो आपको 529 सेफ्टी लगेगा। ब्रिक आपको लगेगा 46,916 पीस ब्रिक लगेगा, ये बड़ा एरिया है इसलिए आप रेड ब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, फ्लाई ऐश ब्रिक भी यूज सकते हो, ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। ब्लॉक यूज करोगे तो रेट बहुत ही कम होगा, फ्लाई ऐश का रेट मैं यहाँ पे वेरिएशन में दिखा चुका हूँ, दिखाऊंगा। अभी आते हैं स्टील में, स्टील आपको लगेगा KG में 1290। तो चलिए अभी जाते हैं इसका कॉस्ट में, देखिए यहाँ पे कॉस्ट में आ गया।
कितना मटेरियल आएगा, मैं आपको पहले, यहाँ पे सेम है ऊपर का, यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे मैं रेट बोल देता हूँ। सीमेंट 250 बाई 295 करके मैं पकड़ा हूँ। रेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सीमेंट का ब्रांड, सीमेंट का क्वालिटी और टाइम के हिसाब से। तो सीमेंट में आपको यहाँ पे लगेगा 1,56,350 आपको सीमेंट मिलेगा। सैन आपको लगेगा 1,37,970। दो एक एग्रीगेट, एक एग्रीगेट मिलेगा आपको छोटा वाला 18,800, और बड़ा वाला एग्रीगेट मिलेगा आपको 32,297। ब्रिक आपको लगेगा, ब्रिक में ज़्यादा कॉस्ट आएगा आपको यहाँ पे 5,16,000। रेड ब्रिक अगर आप यूज़ करते हो, फ्लैश करोगे तो बहुत ही कम कॉस्ट होगा। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। स्टील में आपको लगेगा मोटा मोटी 80,000। तो टोटल मटेरियल में आपको खर्चा हो जाएगा 9,40,900, मतलब मोटा मोटी पकिए 9,41,000 आपको मटेरियल में आ जाएगा। तो अभी आते हैं इसका सेकंड सेक्शन में। देखिए मैं डिटेल्स कॉस्ट यहाँ पे लिख चुका हूँ, इसका एक पिक्टोरियल ग्राफ भी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। टोटल कॉस्ट यहाँ पे इतना आ रहा है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे इतना आ रहा है, और डिवाइडेड क्या हुआ मैं यहाँ पे इसको छोड़िए। तो सीमेंट का कॉस्ट आपको आता है, ऊपर मैं बोल चुका हूँ, मोटा मोटी 1,50,000। सैंड में भी आपको 1,40,000, एग्रीगेट में 51,000, स्टील में आपको लगेगा 80,000, ब्रिक में आपको लगेगा 5,16,000। अगर आप फ्लाइश ब्रिक यूज़ करते हो, ओ ये फ्लाइश फ्लाइश के हिसाब है, देखिए हाँ ये फ्लाइश के हिसाब है, फ्लाइश करोगे तो मेटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, 9 लाख से 7 लाख हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फ्लाइश के ग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाने के लिए। देखिए 2,81,496 यहाँ पे फ्लाइश ब्रिक 2,81,000, मतलब देखिए 3 लाख रुपये आपको मोटा मोटी घट गया। तो आपका फ्लाइश ब्रिक यूज़ करते हो, और आपको ये बहुत ही अच्छा है, ओस मटेरियल से तैयार होता है फ्लाइश ब्रिक, तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं इसको ना पकड़ के इसको पकड़ता हूँ रेड ब्रिक, तो आपको 9,40,000, इसके हिसाब से मैं हिसाब करता हूँ। लेबर कॉस्ट आता है आपका 32%, 3 लाख मोटा मोटी आपका लेबर कॉस्ट आ जाएगा अगर आप रेड ब्रिक करके काम करोगे। तो फ्लैश करोगे तो बहुत ही कम खर्चा होगा, टोटल मैं नीचे बोल दूंगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। फिनिशिंग में आपको खर्चा आएगा मोटा मोटी 1,50,000, फिटिंग्स में आपका आएगा 2,14,000। टोटल बिल्डिंग कॉस्ट अगर आप रेड ब्रिक से यूज करते हो तो 16,11,000 आपको 2 BHK बिल्डिंग, अच्छा सा बिल्डिंग बनाने के लिए 16,11,000 रुपया आपको खर्चा हो जाएगा रेड ब्रिक यूज करते हो। तो अगर ये आप फ्लायर से करोगे तो एक कॉस्ट आपको घट के मोटा मोटी 4 लाख घट के आ जाएगा, 12,09,000 में आ जाएगा, 4 लाख रुपये का फायदा अगर आप फ्लायर ब्रिक यूज करते हो। तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है फ्लैश ब्रिक, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट मटेरियल है, आपको स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे कॉस्ट तो हो गया, मटेरियल भी हो गया। देखिए यहाँ पे मैं ऊपर में मटेरियल बोल चुका हूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ, इसका भी लिंक मैं ड्राइंग के साथ दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो चलिए हो गया यहाँ पे मटेरियल और कॉस्ट। तो मोटा मोटी रेड ब्रिक में आपको लगेगा 16 लाख, और फ्लैश ब्रिक में लगेगा आपको 12 लाख, तो 4 लाख रुपये का सेविंग फ्लैश ब्रिक में। तो चलिए अभी चलते हैं इसका 3D ड्राइंग आपको मैं दिखा के, इसका 3D ड्राइंग कैसे करते हो वो आपको मैं अभी आज दिखाऊंगा। तो चलिए 3D ड्राइंग में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं आपको 3D ड्राइंग घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। आपको पहले वीडियो का इंट्रोडक्शन में दिखाया चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको पूरा बिल्डिंग को घुमा के दिखा रहा हूँ। कलर यहाँ पे थोड़ा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा उल्टा फुल्टा कलर दिख रहा है, लेकिन पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पीछे पेड़ आउटर साइड का पूरा स्ट्रक्चर पूरा आपको दिख रहा है। तो यह है पूरा बिल्डिंग का 3D व्यू, रेंडर व्यू, जो मैं आपको स्केच अप से निकल के आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आएगा प्लान से, मैं कैसे 3D ड्राइंग किया हूँ आपका, आपके लिए कैसे वॉल किया हूँ, कैसे विंडो लगाया हुआ हूँ, कैसे स्लब किया आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए मैं बिल्डिंग का हर एक साइड आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा एक बिल्डिंग निकल के आया है यहाँ पे, और जो प्लान आपको दिखा रहा था मैं, बहुत ही अच्छा सा एक प्लान है, अलग अलग साइड से आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा एक ड्राइंग है, बिल्डिंग है 47x34 का प्लान आपको करना है 2 BHK, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही अच्छा सा है, स्टेयर भी स्टेयर के से बीच में। तो चलिए इस आप लोग भी के साथ बने रहिए, आपको हम अभी आप इसका 2D प्लान से 3D ड्राइंग कैसे बनाता है उसको आप लोगों को मैं दिखाऊंगा,
मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये पूरा बिल्डिंग का 3D व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग का फ्रंट है, देखिए सामने कार है, एक पर्सन है, देखिए एक आर्किटेक्चर व्यू में डाला हूँ बिल्डिंग के सामने, कार्टेन वॉल टाइप, बहुत ही अच्छा सा व्यू दिख रहा है आपको। कलर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो कलर आप व्हाइट भी रख सकते हो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा आदमी कलर व्हाइट भी रखता है। पेड़ भी लगाया हूँ मैं आउटसाइड, और आउटसाइड में कार भी शो किया रोड से। तो चलिए अभी इसका 3D ड्राइंग मेकिंग देखते हैं प्लान से, और इसके बाद उसको भी मैं आपको 3D में दिखाऊंगा कैसे मैं ड्राइंग को किया, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं प्लान आपको दिखा देता हूँ, ये प्लान आपको मैं दिखा रहा था, यहाँ से बहुत सारा प्लान है आपको मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा कैसे क्या करता है। तो ये जो प्लान है आपका उसको मैं आपको दिखा रहा था, वो उल्टा घुमा घुमा हुआ था, इसको मैं थोड़ा घुमा लिया इजी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टेयर को दिखाने के लिए थोड़ा ऊंचा कर दिया, और ये पार्किंग का प्लान है 3D दो में आप देख चुके हो। तो यहाँ पे आप अभी मैं इसको दीवार को उठाता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 7 फीट हाइट, 7 फीट हाइट में, सॉरी इसको मैं अभी 7 फीट हाइट पकड़ लिया। देखिए यहाँ पे विंडो है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, सॉरी ये दीवार को भी मैं उठा लेता हूँ 7 फीट, और विंडो सीलिंग में यहाँ पे बोला था आपको 2 फीट हाइट, तो यहाँ पे 2 फीट कर लेता हूँ। देखिए विंडो का हो गया, अभी ये दीवार भी आपको 7 फीट उठेगा, उठा दिया। ये विंडो का सीलिंग में बोला आपको 3 फीट दीवार, तो यहाँ पे 3 फीट डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसका दीवार उठा लेता हूँ, इसका भी 3 फीट, ये दीवार 7 फीट, ये आपका 5 फीट आएगा इसका दीवार, इसको उठा लेता हूँ। अभी देखिए इसको मैं उठाता हूँ 7 फीट, ये विंडो का डाइनिंग रूम विंडो में आपको बोला था 1 फीट हाइट, तो यहाँ पे 1 फीट उठाता हूँ हाइट इसको। अभी इसको उठाता हूँ मैं इसको 7 फीट, आप आपके हिसाब से दीवार आपके हिसाब से कर सकते हो इसको 3 फीट, इसको करते 7 फीट, विंडो का 4 फीट सील हाइट, दीवार 7 फीट, विंडो का आपका 3 फीट, दीवार 7 फीट, यहाँ पे आपको कर देते हैं इसको 3 फीट, इसको 7 फीट, इसका 5 फीट, ये दीवार 7 फीट, स्टेयर को मैं अभी छोड़ देता हूँ, इसको बाद में करूँगा। यहाँ पे भी 7 फीट, ओ ये भी टॉयलेट है तो इसका भी 5 फीट, दीवार 7 फीट, स्टेयर में बाद में करता हूँ, स्टेयर का 5 फीट रख देता हूँ। तो देखिए मेरा दीवार हो गया, पूरा दीवार आपको दिखा रहा है 3D में, पूरा दीवार आपको मैं दिखा दिया। अभी इसका ऊपर का फंक्शन में कटता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया दिखाने के लिए, लाइन आपको दिखेगा, लाइन बाद में 3D में ऑफ हो जाएगा। चलिए इसका हो गया, अभी देखिए इसको मैं उठा देता हूँ ऊपर में। तो ऊपर में मोटा मोटी आपको इसका 3 फीट तो रखना पड़ेगा, 7 8 3 10 फीट, तो मैं 3 फीट उठा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे आपका मेन डोर हो गया, यहाँ पे विंडो हो गया, यहाँ पे आपका मतलब स्टेयर का ये पोर्शन हट जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे नहीं रहेगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये स्टोर ने ओपन हो गया। ये टॉयलेट का है, ये दाग को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो,
तो देखिए पूरा एक लंबा सा दीवार हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पूरा सा स्ट्रक्चर आपको दिख गया, फिनिशिंग तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। एसटीआर यहाँ से उठेगा। एसटीआर तो कैसे करते हो मैं बाद में वीडियो में आपको बोल दूंगा एसटीआर कैसे करना है। आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन में आपको आ जाएगा। तो देखिए ऐसे आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी इसका रूप भी थोड़ा कर लेते हैं तो देखते हैं इसका कितना अच्छा व्यू आता है। कर लेता हूँ। तो डाल दिया। अभी इसको मैं ऐसे रूफ होता है मेरा 4 इंच का, यहाँ पे 4 इंच का रूफ डाल दिया। इसको अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अच्छा होगा। अभी इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए मेरा रूफ हो गया। अभी इसको क्या मारना पड़ेगा ना, इसको यहाँ से एक धागे मार के इसको उधर हटा देना पड़ेगा। देखिए आपको मैं जो दिखा रहा था 3D बिल्डिंग मोटा मोटी ऐसा ही है। तो आपको मैं टोटल ड्राइंग करके दिखा दिया कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। पहले दीवार उठाना है, उसके बाद इसका सील हटे उठना है, उसके बाद ये दीवार उठना है, फिर छत करना है। छत के ऊपर यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगा स्टेयर का, बंदा यहाँ पे फिर आ गया। यहाँ पे ऐसे करके आपको पूरा ड्राइंग करके मैं आपको दिखा दिया। तो ऐसे आपको पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है 3D ढंग में, मैं आपको अच्छे से दिखा दिया। अभी इसका ओपनिंग भी थोड़ा कर लेते हैं, होता है क्या नहीं दिख लेते हैं। अच्छा नीचे चला गया। लगभग थिकनेस में 4 फीट है, तो मैं 4 इंच है, इसको डाल के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए स्टेयर का पोर्शन भी यहाँ पे ओपन हो गया। अभी इसके ऊपर जो दीवार में इसको करना होगा उसको मैं करूँगा 7 फीट हाइट। तो देखिए इसका भी हो गया मेरा रूफ मल्टी रूम। तो देखा पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही आपको टोटल बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में भी सेम आएगा आपको। देखिए आपको पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे डोर लगाइए, यहाँ पे विंडो लगाइए, तो 3D ड्राइंग के माफिक आपका कंस्ट्रक्शन भी पूरा रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ड्राइंग करते हैं, आपको ऐसे ही मैं दिखाता हूँ। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ड्राइंग का टोटल डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और हाँ प्लीज़ चैनल का हर वीडियो देखिए, मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके साथ लाऊंगा धीरे धीरे। और कैसे क्या ड्राइंग करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अपडेटेड मटेरियल, सब के बारे में आपको मैं बोलूँगा। अभी मैं ये ड्राइंग को कंप्लीट करता हूँ, करके आपको 3D ड्राइंग आप पूरा दिखाता हूँ। वो पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसको मैं और भी अच्छी तरह से दिखाता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मैं पूरा प्लान से 3D ड्राइंग कैसे बनाता है वो भी यहाँ पे दिखा चुका हूँ, और बिल्डिंग प्लान से कैसा दिखेगा 3D में वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रॉम टेके सिविल। एंड आप लोग सब
अच्छे रहो और प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो फ्रेंड, जो ड्राइंग में आपको दिखा रहा था करके, उसका ये 3D व्यू है। पूरा कलर करके, उसका स्ट्रक्चर करके आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। वो ड्राइंग करने के बाद ऐसे ही आपको दिखेगा, इसका रेंडर व्यू में पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो पूरा ड्राइंग आपको ऐसे दिख रहा है। आउटसाइड का लेआउट में आपको दिखा रहा हूँ पूरा, रोड, कार, बाउंड्री वॉल, मेन गेट, सामने का पार्किंग सब आपको दिख रहा है। तो आप लोग अगर ये प्लान से घर करते हो तो आपका घर ऐसे ही निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सा एक घर है, बहुत ही कंफर्टेबल, 16 लाख के अंदर 2 BHK, और अंदर बहुत सारा स्पेस है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। और आप लोगों को अगर चैनल को अच्छा लगता है, इसका मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर फॉर अपडेट लेटेस्ट फ्लोर प्लान फ्रॉम माई एंड। और आपको अगर कोई भी क्वेरी होगा तो मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे को डायरेक्ट मेल कीजिए। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मेरे चैनल में है, वहाँ से मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको ऑब्वियसली हेल्प करूँगा। और इस वीडियो का जो प्लान है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा सा प्लान आपको मैं आज दिखाया, आप लोग अगर चाहिए तो इसको डाउनलोड कीजिए करके आप घर बनाइए। कोई भी हेल्प लेगा मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्लान में।